गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट SST मीन्स एनवायरमेंटल स्टडीज। पहला चैप्टर है आवर फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार, जहां हम सभी रहते हैं उसको परिवार कहते हैं। जैसे परिवार में कौन कौन रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन आंटी अंकल ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब मिलकर फैमिली बनाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर है आवर फैमिली। आवर फैमिली का मतलब होता है हमारा परिवार। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट आवर फैमिली एंड टाइप्स ऑफ फैमिली। इस चैप्टर में हम लोग फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, हमारा परिवार क्या है और परिवार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए पहले रीड करते हैं। दिस इज माय फैमिली का मतलब होता है यह मेरा परिवार है। आई लिव इन अ हाउस विथ माय फादर एंड मदर। आई लिव इन अ हाउस, हम लोग एक घर में रहता है ना, हम लोग एक घर में रहते हैं विथ माय फादर एंड मदर, अपने मम्मी पापा के साथ। हम अपने घर पर अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, ठीक है। फादर एंड मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स। फादर एंड मदर यानी पिता और माता क्या कहलाते हैं, पेरेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। मम्मी पापा को पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, माय मदर इज अ टीचर। माय मदर इज अ टीचर, इसका मतलब हुआ मेरी मम्मी एक शिक्षिका है। माय मदर इज अ टीचर मतलब मेरी मम्मी एक शिक्षिका है। माय फादर इज एन इंजीनियर। माय फादर इज एन इंजीनियर, इसका मतलब हुआ मेरे पिता एक अभियंता है, ठीक है। माय फादर इज एन इंजीनियर, मेरे पिता एक अभियंता हैं। इन द फैमिली यानी कि परिवार में, इन द फैमिली परिवार में एवरीवन शेयर्स द वर्क एंड हेल्प्स ईच अदर। एवरीवन शेयर्स द वर्क यानी कि हर कोई अपना काम शेयर करते हैं, एक दूसरे को काम बांट देते हैं, एक दूसरे से काम बांटते हैं। एंड हेल्प्स ईच अदर, और वे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। परिवार में हर कोई एक दूसरे को काम बांट देते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रेन मेक अ स्मॉल फैमिली। पेरेंट्स परिवार जिसमें माता पिता होते हैं और एक या दो बच्चे होते हैं, वो कैसे फैमिली होते हैं, स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली का मतलब होता है छोटा परिवार, जिस परिवार में माता पिता और एक या दो बच्चे होते हैं वो छोटा परिवार कहलाता है, यानी कि स्मॉल फैमिली, ठीक है। इन सम फैमिलीज ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ पेरेंट्स अंकल आंट एंड कजन्स। इन सम फैमिलीज कुछ परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा और दादी। ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता के साथ कौन रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी रहते हैं। अंकल आंट, अंकल मीन्स चाचा, आंट मीन्स चाची।
चाचा चाची एंड कजन्स. कजन मतलब हुआ हमारे अंकल और आंटी के बच्चे, है ना, उन्हें कहते हैं कजन्स, है ना. तो इन सम फैमिली, कुछ फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स विथ लिव पेरेंट्स अंकल आंट एंड कजन्स. तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ माता पिता, अंकल आंटी और उनके बच्चे साथ रहते हैं. दे फॉर्म अ ज्वाइंट फैमिली, है ना. ऐसे परिवार को हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं. ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है संयुक्त परिवार, है ना. यानी कि इसमें सभी ज्वाइन है. माता पिता के साथ कौन कौन ज्वाइन है, दादा दादी हैं, अंकल है, आंटी हैं और हमारे कजन्स भी ऐड हैं. तो ये परिवार क्या हो गया, ज्वाइंट फैमिली, ठीक है. नेक्स्ट, अंकल्स वाइफ इज कॉल्ड आंट. अंकल की जो वाइफ होती है यानी अंकल की पत्नी, वो आंट कहलाती है, जिसको हम लोग हिंदी में चाची कहते हैं, ठीक है. तो अंकल की पत्नी चाची कहलाती है. फादर्स ब्रदर इज कॉल्ड अंकल. और पापा के जो भाई होते हैं वो अंकल कहलाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में चाचा कहते हैं, ठीक है. द कजन्स आर द चिल्ड्रेन ऑफ वंस अंकल एंड आंट. द कजन्स आर द चिल्ड्रेन ऑफ वंस. जो कजन होते हैं वो किनके बच्चे होते हैं, तो अंकल और आंटी के बच्चे होते हैं, ठीक है. दिस इज अ बिग फैमिली. यह बड़ा परिवार है, ठीक है, जिसमें दादा दादी आंटी अंकल और कजन भी साथ होते हैं, वो बिग फैमिली कहलाते हैं, यानी कि बड़ा परिवार, ठीक है. ग्रैंडफादर इज द चीफ ऑफ द फैमिली. ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी दादा, दादाजी, है ना. ग्रैंडफादर इज द चीफ ऑफ द फैमिली. जो दादा होते हैं वो फैमिली में सबसे मुख्य होते हैं, है ना, सबसे बड़े होते हैं. ऑल ऑफ अस ऑबे द ग्रैंड फादर. ऑल ऑफ अस, हम में से सभी कोई ग्रैंड फादर का रिस्पेक्ट करते हैं. ऑबे मीन्स रिस्पेक्ट, है ना, उनका सम्मान करते हैं, ठीक है. चिल्ड्रेन आर लव्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. और फैमिली में जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन आर लव्ड बाय, उन्हें बहुत प्यार किया जाता है, ठीक है. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली में जितने मेंबर होते हैं वो सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव अ सरनेम. ऑल द फैमिली, है ना, फैमिली मेंबर्स में जितने भी लोग होते हैं उनका एक सरनेम होता है, ठीक है ना, और उन्हीं के नाम पर सबका नाम जुड़ा होता है, ठीक है. जैसे प्रसाद, गुप्ता, ये जो टाइटल होता है ना, वो सब में जुड़ा होता है, ठीक है. द सर नेम इज रिटन आफ्टर द फर्स्ट नेम. जो सरनेम होता है वो कैसे लिखा जाता है, आफ्टर द फर्स्ट नेम, नाम के बाद लिखा जाता है, ठीक है. जो भी नाम है नाम के बाद लिखा जाता है सरनेम, ठीक है. गार्ग, गोल, शर्मा, वर्मा आर सम ऑफ सरनेम्स, ठीक है. अभी बताए थे प्रसाद होता है, गुप्ता होता है, है ना, गर्ग होता है, गोल होता है, शर्मा होता है, वर्मा होता है, ये नाम के बाद लिखाता है. जैसे किसी का नाम है राम तो लिखेंगे राम शर्मा, ठीक है, प्रीति वर्मा, ठीक है, गोलू गुप्ता, इस तरह से. तो ये हो गया सरनेम, ठीक है. तो आवर फैमिली में हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारा परिवार दो तरह का होता है, ठीक है, एक छोटा परिवार और एक बड़ा परिवार. जो स्मॉल फैमिली होते हैं उसमें पेरेंट्स और उनके एक या दो बच्चे होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं,
इन्हें हम कहते हैं स्मॉल फैमिली, यानी कि छोटा परिवार। और कुछ ऐसे फैमिली होते हैं जिसमें पेरेंट्स साथ दादा दादी होते हैं, हमारे अंकल आंटी और उनके बच्चे, ये सब साथ मिलकर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बड़ा परिवार, यानी कि बिग फैमिली। ठीक है, ठीक है। तो हमने पढ़ा आवर फैमिली के बारे में और आप लोगों ने सीखा कि हमारे फैमिली में कितने लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अगर स्मॉल फैमिली है तो उसमें कम लोग होते हैं और बिग फैमिली उसमें अधिक संख्या में मेंबर होते हैं। ठीक है, आप लोग फिर से इसको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।